आप तमाम नाज़रीन का टी एन टी वी न्यूज़ में इस्तकबाल है। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज महबूब नगर की तालिबात ने फिर एक बार अपने बेहतर मुजाहरे के जरिए अपने कॉलेज और असातिज़ा का नाम ऊंचा किया। बाई पी सी सेकेंड ईयर की तालिबा सईदा कनीस फातिमा वल्द ख्वाजा ज़मीरुद्दीन ने 979 निशानात हासिल किया और इसी जमात की एक तालिबा बुशरा कौसर वल्द अब्दुल बासित ने 974 निशानात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। प्रिंसिपल कॉलेज कौसर जहां तालिबात के इस मुजाहरे पर मसरत का इजहार करते हुए तालिबात और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बुशरा कौसर एंड आई गॉट 974 मार्क्स इन सेकेंड ईयर बाई पी सी सेकेंड ईयर। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई स्टडी हियर, आई स्टडी इन दिस कॉलेज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर हु सपोर्ट मी ऑलवेज इन एवरी थिंग, नॉट इन जस्ट स्टडीज बट इन ईच एंड एवरी थिंग। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर। I am Sayyeda Kanis Fatima, BPC English Medium Second Year student, studying in Government Girls Junior College, Mehboobnagar. As I have stepped in this college, I have a very minute expectations regarding the studies in the college, because we have all heard that in the government colleges, the studies are not very prominent and the results are not very evident. But as I stepped in this college and I have became familiar with the environment, I got to know that the institutions doesn't matter. What matters is the lecturers who are here and the will of the students to study. In this college, in our government junior college, they have gave us a tremendous support from the lecturers and also from the principal ma'am. As I have studied here for the 2 years, I got to know about various aspects regarding the life and also a very good lesson from all the lecturers. They have been very supportive throughout 2 years and they have been special focus on the students who are, they have been segregated and they have been taught very clearly. The classes have run very spontaneously without any break and we have got the support from all the management also. As the best example for this college is that our principal madam was also a former student of this college, and as she has become the principal of this college, we can expect the other students to also achieve a higher positions in the future. As I have passed out from this college, I aspire to join the civil services, and I hope all the students who join this college will achieve great success and heights. I have been very thankful to my lecturers, to my principal, and also to my parents, especially my father, who supported me throughout, and my family. And lastly, to the Creator who has gave me the strength to work, to study, and achieve everything. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल कौसर जहाँ बात कर रही हूँ। हमारे कॉलेज में एडमिशन 2278 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कई किस्म के ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जैसा कि बाईपीसी, एमपीसी, एचईसी, सीईसी एंड ओकेशनल में एएनटी और ओए, एमपीएचडब्ल्यू, नर्सिंग, ये सब हैं। तो इस तरह से अब टॉपर्स के शक्ल में हमारे यहाँ से बाईपीसी इंग्लिश मीडियम से 2 लड़कियाँ टॉप मार्क्स लाए हैं। वैसे भी पूरे कॉलेज के कई लड़कियाँ टॉप मार्क्स में हैं, तो इसमें से सिर्फ 2 लड़कियाँ हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। पहली लड़की है कनीस फातिमा, जिनके फादर का नाम है सैयदा कनीस फातिमा, जिनके फादर का नाम है सैयद ख्वाजा ज़मीरुद्दीन साहब, और इनके मार्क्स हैं 1000 में 979 मार्क्स हैं इस लड़की के, और ये लड़की बाईपीसी इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखती है। और दूसरी लड़की है जिसके मार्क्स हैं 1000 में 974, और बुशरा कौसर इनका नाम है, ये बाईपीसी सेकंड ईयर इंग्लिश मीडियम की ही लड़की है। एक ही क्लास के 2 टॉपर्स हैं, यानी कॉलेज के पूरे ओवरऑल टॉपर्स हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में भी कई लड़कियां टॉप मार्क्स ला चुके हैं, अच्छे नतीजे से पास हुए हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इसमें से हाईएस्ट मार्क्स के लड़कियां हम आपको अभी मौके देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कनीस फातिमा और बुशरा कौसर दोनों हमारे टॉपर हैं, ये बाईपीसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ये लड़कियाँ शुरू से भी हद से ज़्यादा डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से और दूसरे लड़कियों को मदद करते हुए ये लड़कियाँ
अपने तालीम को आगे बढ़ाए हैं, दूसरे लड़कियों को मदद करते हुए ना सिर्फ अपना ख्याल रखे हैं, कई लड़कियों का ख्याल रखते हुए ये लड़कियाँ अपना भी ख्याल रखते हुए ये अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और हम बहुत खुश हैं। और उनके लेक्चरर्स को भी हम कंग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छे लेक्चरर, तजुर्बेकार लेक्चरर्स हमारे पास हैं और सुबह से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप वर्क करने वाले हैं। इस तरह से उनकी भी मेहनत इसके अंदर है और इसमें बच्चियों का भी डेडिकेशन इसके अंदर है। तो हम तो एज ए प्रिंसिपल हर लड़की का तो ख्याल करते हैं, लेकिन हर लड़की उस मुकाम पे पहुंचना वो बहुत बड़ी बात है, तो हमारे लिए बहुत खुश खबरी की बात है। इसलिए बहुत खुशी का इजहार करते हुए हमें बच्चे पे पहुंचना वो बहुत बड़ी बात है तो हमारे लिए बहुत खुश खबरी की बात है इसलिए बहुत खुशी का इजहार करते हुए हमें बच्चियों को आज बुला के मुबारकबाद दिए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आने वाले जनरेशन के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाह रही हूँ। हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने वाले के लिए भी दिलचस्पी होना ज़रूरी है और उनके लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है और फ्यूचर में क्या हमारा मुकाम है और क्या हम करना है ये उनको मालूम होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जूनियर्स को मैं मैसेज दे रही हूँ कि एक भी मिनट ज़ाया ना करें। इस तरह से जो लड़कियाँ आपके सीनियर्स अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी हमारे कॉलेज से ही टॉपर रही है, वो लड़की डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, शायद अब कल मालूम हो जाएगा हमारे पूरे मार्क्स देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है। जहाँ तक मेरा ख्याल है यही लड़की डिस्ट्रिक्ट टॉपर होंगी और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो लड़की डिस्ट्रिक्ट टॉपर, लड़कियाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही होंगे हमारे कॉलेज के। और दुआ करती हूँ और इंतज़ार करूँगी कि आने वाली जनरेशन भी अच्छे तरह से कामयाबी हासिल करें। शुक्रिया।